हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राज जैन से। अब हम डॉक्टर जैन आपसे बात करेंगे कि घरों में रह के हम लोग घर की सारे दिन सफाई करते रहते हैं, बाहर जाते हैं तो ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, ग्रोसरी करने गए तो वहां पर डर लगा रहता है कि किसी को कोरोना वायरस ना हो, तो जब हम ग्रोसरी लेने जाते हैं बाहर, फार्मेसी में जाते हैं या किसी जगह जाते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? देखिए, वो तो प्रिविलेज जैसी हिंदुस्तान में वैसी तो यहाँ नहीं है, लेकिन आपको खुद ही ग्रोसरी करनी पड़ती है तो उसके लिए ऑब्वियसली कि आपको प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। देर इज जनरल गाइडलाइन कि भाई आपको सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, तो वो तो आपको मेंटेन, आप लॉन्ड्री लेने ऑफ ग्रोसरी लेने जाते हैं तो उसके लिए भी, लेकिन उसमें जब आप ग्रोसरी लेने जाते हैं तो अपने साथ में हैंड सैनिटाइजर एंड राइट एंड आल्सो वाइप्स, लाइसोल या जो भी क्लोरोक्स की वाइप है। तो जब आप ग्रोसरी करने जाएं तो एक तो मास्क जरूर पहन लें और दूसरा ग्लव्स पहन लें, तीसरा है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें। आजकल सब ग्रोसरी स्टोर जो है वैसे भी दे आर फॉलोइंग दैट, तो और दूसरा जो है जब आप कार्ट लें ग्रोसरी के लिए तो उसमें अगर है तो उसके हैंडल को उससे वाइप कर लें, जिस जब आप पुश करते हैं तो उसको क्लोरोक्स वाइप से या लाइसोल वाइप से वाइप करके तब करें। और जब आप तो वो ग्रोसरी लेकर आएंगे तो उसमें जो है आप ग्लव्स उतारेंगे तो हैंड सैनिटाइजर से उसको यूज करें, और घर में आके आप जब ग्रोसरी लाते हैं तो ग्रोसरी लाके उसमें जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको जो है पहले तो आप हाथ धोएं घर पे ग्रोसरी लाने के बाद में, उसके बाद में फूड एंड वेजिटेबल्स को रनिंग वाटर में आइदर यू रब इट फ्रूट एंड वेजिटेबल विद हैंड्स और देयर इज अ रबिंग ब्रश, यू कैन ब्रश इट एंड डू दिस थिंग। कुछ लोग सोप एंड वाटर इज नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट रिकमेंडेड एट दिस पॉइंट बाय एनी गाइडलाइंस, सो दैट इज व्हाट आई हैव टू डू। नाउ द अदर क्वेश्चन कम कि आप ग्रोसरी लाने गए हैं, आपने कपड़े पहने, मान लीजिए कि किसी यूजुअली कपड़े पहनने के बाद में आप जो है उसको उतार के कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन अगर किसी ने स्नीज किया, कॉफ किया, कपड़ों पे आए हैं पार्टिकल्स, तो उसमें इमिजिएटली आपको जो है पुट द क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री एंड लॉन्ड्री में वॉश करके देन यू पुट इन अ ड्रायर विद अ हाई हॉट ड्रायर दैट इज 130 degrees 135 degrees, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वायरल पार्टिकल्स आर किल्ड बाय विद दैट टेम्परेचर। और आपने मेरे को पहले बताया था कि आप जो कपड़े हैं उनको झाड़े मत, राइट वो हाँ मैंने बताया, जैसे बताया था ना कि कपड़े जब आप लेके आते हैं कोट्स वगैरह उसको झाड़े नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो अगर झाड़ेंगे तो वायरस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो और स्प्रेड हो जाते हैं, देन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन गोज अप। सो उसको ऐसे कैसे ही आप रख दें बिना झाड़े ही, और जो वॉश कर सकते हैं उनको वॉशिंग मशीन में डाल के वॉश कर लें, ड्रायर में डाल के उसके हॉट एयर ड्रायर में 130-135 डिग्री तक आप उसको कर देंगे तो यूजुअली वायरस पार्टिकल जो है उसमें उस टेम्परेचर में नहीं रहते। जो बिल्डिंग में रहते हैं इट बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, तो उसमें कई सिचुएशन होती है, एक तो आपको पता नहीं बिल्डिंग में किसको है किसको नहीं है, दैट्स वन। If somebody आप हाई फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपको एलिवेटर यूज करना पड़ेगा, एलिवेटर यूज करने में सेम गाइडलाइंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं कर सकते अगर ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप ट्राई करें कि आप जब एलिवेटर में जा रहे हैं कोई आपके साथ ना हो तो ऑटोमेटिकली वो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। सेकेंड थिंग है कि जो मेटल बटन्स होते हैं आप यू डोंट नो कि उसको किसने टच किया, वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, तो आप अपने साथ में वाइप रखें उसको क्लीन करके उससे प्रेस करके आप जो है सेलिवेटर के बटन यूज कर सकते हैं।
तीसरी सिचुएशन होती है कि अगर आप लोअर फ्लोर पर रह रहे हैं, आप स्टेयर केस से जा सकते हैं, तो आप स्टेयर केस से जा सकते हैं, उससे चले उतर जाएं, और जो नॉब्स होते हैं डोर के उनको वाइप से क्लीन कर लें बिफोर यू यूज इट। तीसरा इश्यू होता है कि आप लॉन्ड्रोमेट जो है, या तो जो अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने वाले लॉन्ड्रोमेट जाते हैं, या खुद की बिल्डिंग में लॉन्ड्री रूम्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में दो है कि आप एक बिल्डिंग में ही हैं तो आप जा रहे हैं, तो ट्राई टू डू व्हेन देयर आर नो अदर पीपल आउट देयर, दैट मींस जस्ट यू आर हैविंग सोशल आइसोलेशन। आपने जितनी बार भी आपने बात की, आपने कहा काट के हैंडल को साफ करना चाहिए, नॉब साफ करना चाहिए, मेटल्स में की बात कर रहे हैं कि इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं काफी लंबे समय तक रुक सकते हैं, सो कौन कौन सी जगह है कि जिसमें ये जो वायरस है, जो इसके कोरोना वायरस के पार्टिकल्स हैं, जो जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, कौन कौन सी जगह में ज्यादा देर तक रुकते हैं? मेटल है, मेटल में जैसे डोर नॉब्स हैं, ज्वेलरी है, ये इसमें जो है दैट वायरस कैन स्टे अप टू 5 डेज। ग्लास के अंदर, ग्लास के ऊपर, जस्ट लाइक ड्रिंकिंग ग्लास वाटर, ड्रिंकिंग वाटर्स ग्लास के, उसमें भी 5 दिन। मिरर है, विंडोज है, वायरस कैन स्टे अप टू 5 डेज। सेरामिक, दैट मीन्स आपके डिशेस, मग्स और दिस थिंग, इट कैन स्टे फॉर 5 डेज टू। पेपर में जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, दैट कैन ऑल्सो स्टे अप टू 5 डेज। वुड, फर्नीचर वगैरह यूजुअली नॉट, अनलेस कि समबडी स्नीजेस, कॉफिंग ऑन द फर्नीचर और समथिंग, इज 4 डेज स्पेशली। नाउ द प्लास्टिक्स विच इंक्लूड द वाटर, मिल्क बॉटल्स फॉर एग्जाम्पल, पीपल गोइंग ऑन अ बस और सबवे, सीट्स वगैरह जो है, और इट में दे कैन लास्ट अप टू 3 डेज, 2 to 3 डेज। Stainless steel, which has like a fridge, handles, dishwasher, etc. Uske andar they can last up to 2 to 3 days. And cardboard, when you are receiving your shipments or whatever it is, or groceries delivered in cardboard, it can last up to 24 hours. And aluminium foils, which you have it, aluminium foils, mein it can last up to 2 to 8 hours. Wow. And wow. And also the least is the copper. Copper has antibacterial property, so it can last 4 hours basically. The most important part is food and water. Food and water is not, it's contagious at all, and it doesn't deposit the virus out there, so it is not causing infection to the people. कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपके गले में ड्राइनेस है या कुछ है, आप गर्म पानी पिए, गर्म चाय पिए और उससे गार्गल करें, उससे आपके जो ये गले में कोरोना वायरस के जम्स हैं वो दे कैन गेट किल्ड। आपका इसके बारे में क्या कहना है? I mean, I'm not aware of that can kill the virus particles, the hot water. Social media में जो news आती है ना, बहुत confusing होती है। I don't think I haven't been aware of that can kill the virus, the best thing, that warm water which you drink, or even tea you drink, because the temperature is not that high to kill the this thing. You can swallow it, go in stomach, that's a different story altogether, but it is not going to kill the virus. So aap sabne suna कि ये गर्म पानी पीने से इन सबसे, अगर आप समझते हैं कि कोरोना वायरस चला जाएगा, ये सच नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत जरूरी है, अपनी सेहत का ध्यान रखने का बहुत जरूरी है। हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर टचिंग एनी हार्ड सर्फेसेस, स्टील, मेटल, कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, ग्रोसरी, first you should wash your hand as soon as you enter your hand, 20 seconds soap and water, that's very important. Social distancing is very important, using the mask and gloves going out is very important, especially before they were saying if you are asymptomatic you don't have to use a mask. Now they are recommending everybody going out should wear their mask.